यस सर। हाँ तो देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना, सबसे पहले आपको ना गूगल क्रोम खोलना है, गूगल क्रोम खोलना है। दूसरा ब्राउजर क्यों नहीं बोल रहा? दूसरा ब्राउजर इस वजह से नहीं बोल रहा क्योंकि जो ये फॉर्म हम लोग क्रिएट गूगल की गूगल फॉर्म से क्रिएट करने वाले, इसलिए मैं दूसरा ब्राउजर नहीं बोल रहा। जैसे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, यूसी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो उसमें नहीं जा रहे हम, गूगल क्रोम पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, लिख लो कॉपी में गूगल क्रोम। उसके बाद ऐसे एरो कर देना, इस तरफ लिख रहे हो तो इस तरफ एरो कर देना और इस तरफ लिख रहे हो तो इस तरफ एरो कर देना, किसी भी तरफ लिखो आपकी इच्छा, लेकिन एरो कर देना। ठीक है, गुड। तो इतना होने के बाद इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, मतलब गूगल क्रोम आपके में इंस्टॉल होना चाहिए, इसकी प्री रिक्विजिट है। मतलब प्री रिक्विजिट मतलब की प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पहले क्या क्या चाहिए। तो गूगल क्रोम इसकी प्री रिक्विजिट है, सबकी जीमेल आईडी होनी चाहिए गूगल पे, जीमेल आईडी होनी चाहिए गूगल पे। ठीक है, जीमेल आईडी गूगल पे होनी चाहिए। अब बताओ सबके पास गूगल क्रोम और जीमेल आईडी है ना, सबके पास अपनी खुद की बनाई हुई। यस। अभी देखो यहाँ मुझे चैट दिख रहा है, इसमें चैट दिखता है, जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना तब चैट नहीं दिखता मुझे। अभी तुम लोग टाइप कर सकते हो ताकि मैं सब बच्चे के नाम से आ जाता है ना तो पता चल जाता है। चलो बढ़िया, इतना हमारी प्री रिक्विजिट थी और आप सबके पास है, बढ़िया। गूगल क्रोम हो गया हमारा, जीमेल आईडी हो गई, अब बस हम लोग को एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, अच्छा सा ठीक ठाक भी होगा तो चल जाएगा, इंटरनेट कनेक्शन। तो आप इंटरनेट कनेक्शन मत लिखना कॉपी में, ये लिख दो गूगल क्रोम, गूगल क्रोम के बाद एरो कर दो, ये जरूरी है। उसके बाद जैसे मैं बताऊंगा गूगल क्रोम के बाद गूगल फॉर्म क्रिएट टाइप करना है, गूगल फॉर्म उसमें जो सर्च बॉक्स आता है उसमें टाइप कर देना गूगल फॉर्म क्रिएट। गूगल फॉर्म भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंचने के लिए कर देना गूगल फॉर्म क्रिएट। तो फिर नेक्स्ट बताऊंगा उसमें एरो करके कहीं भी एरो ले जाना, जैसे अभी नीचे जगह नहीं है, है ना, तो ऐसे डायरेक्शन ले जाना ऐसे करके, फिर वहां लिख देना कि उसमें पर्पल कलर का वो रहता है, पर्पल कलर का बॉक्स रहता है, अभी वो सब बताऊंगा, पर्पल कलर का बॉक्स उस पर क्लिक करना है। वैसे तो आप सीख जाओगे, देखते देखते सीख जाओगे, लेकिन मान लीजिए आपको कभी पढ़ाना हुआ है ना, तो उस टाइम आप कैसे पढ़ाओगे, क्या सीक्वेंस रहेगा, तो उसके लिए आप तो देख के सीख ही जाओगे, डेफिनेटली नो डाउट, क्योंकि हम विजुअलाइज करके सीख रहे हैं और प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं, तो नो डाउट आप सीख जाओगे। तो नोट्स ऐसे बनाना है, अभी मैं इसलिए कॉपी ले लिया, एक छोटे छोटे वर्ड लिख, मतलब वर्ड लिखना है गूगल क्रोम, एक एरो किया, फिर उसके बाद गूगल फॉर्म क्रिएट पे किया, फिर एरो किया, फिर एक पर्पल कलर का बॉक्स आएगा, मतलब ऐसे बनाना है। अब मैं इस पे आऊंगा नहीं दोबारा, इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लो, सबको ये समझ आ गया नोट्स कैसे बनाने, कैसे लिखना है अभी जब मैं पढ़ाऊंगा। यस सर। यस। हाँ चलो बढ़िया, शाबाश। तो अब मैंने स्क्रीन वो कर दी थी, अब मैं शेयर करता हूँ अपनी वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, अब तुम लोग हाँ या ना में जवाब दे, क्योंकि अब मुझे आप लोगों की जरूरत होगी। देखो मैं जा रहा हूं गूगल पे, ये मैंने गूगल ले लिया, ठीक है, ये तो वो डायरेक्ट गूगल टाइप हो गया, मतलब अपने आप पहले भी सर्च किया था ना, ये गूगल आ गया। तो अब यहाँ पे भी आप डायरेक्ट सर्च बॉक्स में सर्च कर सकते हो, अदरवाइज गूगल के इसमें जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन इजी हम लोग को सब जानते हैं। तो अब यहाँ क्या कर देना, गूगल फॉर्म क्रिएट, सबको दिख रहा है गूगल फॉर्म क्रिएट? यस सर। यस सर। हाँ ये टाइप करना है, देखो वहां लिखो गूगल क्रोम, उसके बाद लिखना एरो करके गूगल फॉर्म क्रिएट, फिर जैसे इसको खोलोगे ना तो ये देखो ये आ रहा है लिख के, ये गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस फॉर फ्री, गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस फॉर फ्री। ठीक है, ये दिख गया सबको? यस सर। इस पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद देखो जो मैं बोल रहा था पर्पल बॉक्स, उसके बाद एरो करो, फिर लिखो पर्पल बॉक्स और जिसमें तीन लाइन बनी हुई है, डॉट प्लस थ्री लाइन। वैसे तो आप यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो, आपको पता हो जाएगा डेफिनेटली ये गूगल फॉर्म का ही है, लिखा भी है गूगल फॉर्म, लेकिन आपको ये लिख लो थ्री डॉट वाला पर्पल वाला, तो ईजी होगा आपको कभी सिखाना उस पर्पज से, आपको तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया, अब हम खोलते हैं गो टू गूगल फॉर्म्स।
देखो अब एक चीज जरूरी है यहाँ पे ना, देखो ये है मेरी आईडी है दीपक कुमार के आर, ये ऐसे करके है दीपक के आर 03.1996, ये मेरी आईडी है, ईमेल आईडी है। तो ऐसे ना आपको ध्यान रखना कि आपके आपने जो क्विज बनाई है वो कौन सी आईडी पे बनाई है। देखो आपकी खुद की आईडी होगी, भाई बहन होते अगर एक ही मोबाइल चलाते हो, भाई बहन होंगे तो उनकी खुद की आईडी होगी, इसमें अटैच होगी, लिंक होगी, आपके फादर की ईमेल आईडी लिंक होगी। तो आपको यहाँ जरूर देख लेना कि ये कौन सी आईडी है जिसपे मैं बना रहा हूँ क्विज, जिसपे मैं बनाने वाला हूँ क्विज, ये जरूर देख लेना। क्योंकि हम लोग आंसर कैसे चेक करेंगे, आंसर हम लोग ड्राइव में जाके चेक करते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना कि कौन सी आईडी से आप बना रहे हो, ठीक है। सबसे पहले देखो ये हो गया, अब ये लिख देना वो एरो करके लिख दो इमेज, वो जो अपनी आईडी है, आईडी चेक करनी है, ईमेल आईडी चेक करनी है, कौन सी ईमेल आईडी खुली है आपकी, ठीक है। यस बोलो, समझ आ गया तो चलो यस सर। बढ़िया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अनटाइटल अनटाइटल फॉर्म है ना, अनटाइटल फॉर्म लिखा है, इस पे कुछ भी जो भी आपका टाइटल हो क्विज का, जैसे मान लो आज मैं हाउ टू मेक क्विज, ऑनलाइन क्विज, मैं आज का ही वही लेके कर दे रहा हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको टाइटल, वो जो टाइटल है ना आपका अपने आप यहाँ नीचे साइड आ जाएगा, आपको दिख गया होगा मैंने ऊपर टाइप किया, ये नीचे आ गया होगा हाउ टू मेक ऑनलाइन क्विज। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ टुडे आई एम गोइंग टू टीच, टुडे आई एम गोइंग टू टीच, ऐसे ही मतलब कुछ भी लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में कुछ के क्विज के बारे में। टुडे आई एम टेकिंग सॉरी टुडे आई एम टुडे आई एम टेकिंग ऑनलाइन क्विज, ऐसे ही करके कुछ भी लिख दो, मतलब जो जिस इससे रिलेटेड हो, मतलब जिसकी क्विज आप कराने वाले। उसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्विज कितने नंबर की होगी, आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, अटेम्प्ट करने के क्वेश्चन, जब भी आपको ये पेपर देते हो, एग्जाम देते हो, तो उसमें आता है ना कि इसमें इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के हैं, इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के हैं, तो अभी आप इसमें सेट कर सकते हो। तो मैं सिखाऊंगा सेट कैसे करते हैं, मार्क्स कैसे सेट करते हैं। तो चलो बेसिकली ये था, टाइटल डाल देना, ये जो अनटाइटल फॉर्म लिख के आता है उसमें टाइटल डाल देना कि क्विज का टाइटल क्या है। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो जब जो पहला चीज होगी ना, पहली चीज सबसे पहली चीज वो ये लिख के आएगा अनटाइटल क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्वेश्चन लिखना है। सबसे पहले मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, नेम, नेम में नेम आ रहा है तो मैंने डाल दिया, ये अपने आप ही इसने ऑप्शन, अभी देखोगे ना तुम लोग, पहले यहाँ पे और कुछ था, यहाँ नीचे शॉर्ट आंसर, ये वाला देखो शॉर्ट आंसर पहले यहाँ और कुछ था, लेकिन मैंने ये क्या कर नेम टाइप किया, तो इतने फीचर्स होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, इतना अच्छे से बना रखा होता है, मतलब इन्होंने इतना अच्छे से बनाया है कि डायरेक्टली ये जैसे आप नेम टाइप करोगे तो लोग लाइन में ही लिखेंगे, एमसीक्यू तो नहीं होगा, आपको सेलेक्ट थोड़ी करना पड़ेगा, 10 नाम देंगे उसमें एक थोड़ी सेलेक्ट करना होगा, 4 नाम देंगे उसमें एक थोड़ी सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपना डायरेक्ट नाम डालना पड़ेगा, तो ये अपने आप ही आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट कर लेना, वो भी अभी सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं टाइप कर दे रहा हूँ नेम, नेम, ठीक है, नेम ऐसे कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क हटा दे रहा हूँ। अब देखो ये जो ऑप्शन है ना रिक्वायर्ड वाला, सबको दिख रहा है रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन, यस सर। हाँ रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन में ये क्या है, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ ना, क्या कहते हैं, इस पे ऑन कर देता हूँ, ये देखो अब ऑन हो गया, तो ये मतलब ना कंपलसरी हो गया, कंपलसरी हो गया कि आपको ये भरना ही भरना है, आप ये छोड़ नहीं सकते। अब कोई भी फॉर्म देने, मतलब क्विज खेलने आ रहा है, कोई भी ये फॉर्म भरने आ रहा है, तो हमें तो नाम चाहिए होगा, तो ये कंपलसरी करना ही चाहिए नाम। अगर मान लो उसने पूरी क्विज खेल ली, उसने नाम ही नहीं भरा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कैसे पता चलेगा कि किसने दिए क्विज, किसने खेली है। तो ये इसको जो नाम होगी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें कंपलसरी करना है कि रिक्वायर्ड, कि उसको रिक्वायर्ड करना है, ठीक है। ये चीज आगे ये था नेम, बेसिकली नेम के लिए था। अब देखो यहाँ पे ना मैं टाइप, आप किस क्लास के हो, ठीक है, क्लास में देखो अभी कुछ नहीं हुआ, इसको पता नहीं आपको क्लास में एमसीक्यू रखना है कि ये शॉर्ट आंसर रखना है, पैराग्राफ रखना है कि चेकबॉक्स रखना है, ड्रॉप डाउन रखना है, फाइल अपलोड करना है। देखो बच्चों इसको ये थोड़ा डीप नहीं जाऊंगा, इसको आप थोड़ा सर्च करना है, मुझे तो हर चीज मालूम है, लेकिन अगर मैं एक एक चीज बताने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिकली इतना समझ लो शॉर्ट आंसर में 1 लाइन 2 लाइन आंसर होते हैं, जैसे आपका नाम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आप किस कॉलेज में पढ़ते हो। पैराग्राफ में आप समझते ही हो, पैराग्राफ 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन जितना भी लिख सकते हो पैराग्राफ। मल्टीपल चॉइस में और चेक बॉक्स में अंतर क्या होता है, मल्टीपल चॉइस और चेक बॉक्स में आंसर ये होता है कि मल्टीपल चॉइस में आप एक ही को सेलेक्ट करते हो, मतलब एक वैसे सेलेक्ट करते हो, और चेक बॉक्स में आप एक से ज्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो, और वैसे तो मल्टीपल चॉइस में भी कर सकते हो, लेकिन चेक बॉक्स का अंतर अलग रहता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है, तो अगर उस टाइम
हॉकी लिखा है और फील्ड हॉकी लिखा है तो आपको दोनों करना पड़ेगा, उसमें दोनों का ऑप्शन आएगा तो आप दोनों पे टिक कर लोगे। लेकिन चेकबॉक्स में क्या है, उसमें आपको मल्टीपल चॉइस में सेलेक्ट करना है, इनमें से सेलेक्ट करना है। चेकबॉक्स में आपको बताना होता है कि मान लो मैंने बोला आप कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो आपने बोला फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये ट्विटर और पता नहीं क्या टिकटॉक टिकटॉक सब चलाते होगे, पता नहीं जो भी है, है ना। तो उसमें चेकबॉक्स से सेलेक्ट करना होता है। वैसे तो एक दूसरे के अल्टरनेटिव है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें सर्कल आता है, इसमें स्क्वायर आता है और इसमें ये सेलेक्ट करने होते पड़ते हैं। और चेकबॉक्स में आप बहुत सारे ऑप्शन भी रख सकते हो। और ड्रॉपडाउन में क्या होता है, ड्रॉपडाउन में एक्चुअली कैसे बताऊं, चलो अभी बता देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि बाद में दिक्कत ना हो। जैसे आप फर्स्ट क्लास के हो, सेकेंड क्लास के हो, थर्ड क्लास के हो, फोर्थ क्लास के हो, फिफ्थ क्लास के हो, सिक्स क्लास के हो, सेवन्थ क्लास के हो, एट्थ क्लास के हो, नाइन्थ क्लास के हो, बस इतना कर देते हैं बहुत हो जाएगा। देखो आप नाइन्थ क्लास तक के हो, फिर इसके बाद ये हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ये जो नीचे देख रहे हो गया प्लस लिख के आ रहा है, प्लस आपको प्लस दिख रहा है, ये देखो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, प्लस दिख रहा है। हाँ, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आप सेलेक्ट करोगे ना, उसको यहाँ प्लस से सेलेक्ट करना है। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ पहला, कि टुडे ऐसी करके एक ऐसी डाले, नंबर वन टुडे इज विच डे, विच डे, टुडे इज विच डे, ऐसी सिंपल रख लूं। देखो और उसमें एड ऑल अपने आप ऑप्शन आ गया था, मुझे टाइप नहीं करना पड़ा। आपने अगर ऊपर ध्यान दिया होगा तो मैं फिर से अभी दिखाऊंगा एड ऑल। तो आज ये तो अब हम लोग को ना आंसर सेट करना है, तो ये हम मैं बाद में सेट करेंगे, पहले इसको फॉर्म बना लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब फिर देखना, फिर मैं करूंगा टुडे इज विच डे, तो फिर वो वैसे ऑप्शन आ जाएगा आपको, देखिएगा टुडे इज विच डे। देखो यहाँ पे दिख रहा है सबको, सजेशन में आ गया एड ऑल मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, दिख रहा है सबको। हाँ, तो इसमें ना एड ऑल में कर देना, जैसे ही आप एड ऑल करोगे तो अपने आप ही सारे आ जाएंगे जैसे वो आ गया था। तो बेसिकली आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। तो ठीक है, अब वो उधर नंबर ऑफ, जैसे मैं करते नंबर ऑफ प्लेयर्स इन, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी। देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे शॉर्ट आंसर आ रहा है, देखो शॉर्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे। अब देखो आपने शॉर्ट जब एमसी वो क्विज बनाओ, तो अगर आपको शॉर्ट आंसर चाहिए तो मांग सकते हो, लेकिन आपको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चेक करने के लिए हमेशा अगर इजी बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, उसी से क्विज बनेगी। हाँ, चेकबॉक्स का ये अंतर एग्जैक्टली अब बता देता हूँ कि मल्टीपल चॉइस में हम लोग क्विज बना सकते हैं, चेकबॉक्स में हम लोग क्विज नहीं बना सकते वैसे, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस में हम लोग क्विज बना सकते हैं, चेकबॉक्स में क्विज नहीं बना सकते। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी कितने प्लेयर होते हैं, सेवन। नंबर ऑफ प्लेयर्स में सेवन होते हैं। तो देखो अब मैं अगर इसको शॉर्ट आंसर में छोड़ दूंगा ना, तो कोई लिख देगा न्यूमेरिकल वाला सेवन, ठीक है, कोई लिख देगा रोमन नंबर वाला सेवन, V11 VII करके वैसा वाला ये कर देगा, कोई लिख देगा SCVEN7 लिख देगा, कोई लिख देगा 07 लिख देगा, कोई लिख देगा CR07 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 07, कोई लिख देगा जेम्स बॉन्ड 07। तो ये सब नहीं करना है ना, ये सब हमें तो आसानी से क्विज चेक कर रही है। अगर वैरायटी ऑफ आंसर आ जाएंगे तो उसको आंसर मतलब देखना, उसको चेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको इस चीज को एमसीक्यू बनाना है ताकि बच्चे सेलेक्ट करें। अब देखो मैं नंबर ऑफ प्लेयर डाल दे रहा हूँ 5, 6, 7 और 8। देखो अभी मैं क्विज बनाना सिखा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो उसमें बताऊंगा कि और कैसे करते हैं, लेकिन अभी बेसिकली समझ लो क्विज कैसे बनाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, हम लोग को 30-40 मिनट में क्लास खत्म भी करनी है, तो उसका भी और कभी बता देंगे। और तुम लोग मुझे जब भी कोई भी दिक्कत हो तो चैट बॉक्स में इसी में आता है वो डिस्कशन वाला टीचमेंट में, उसमें पूछ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन सारी चीज नहीं ले सकते, बहुत लंबा सेशन चल जाएगा। बेसिकली क्विज बनाना सिखा रहा हूँ तो उस पर बात करते हैं तो ज्यादा बेटर है। देखो ये हो गया, ठीक है, अब हम लोग को क्विज बना, क्वेश्चन डालना और क्विज बनाना तो आ गया, आई होप सबको आ गया होगा। अब चैट बॉक्स में लिखो, पहले देख लेता हूँ।
क्वेश्चन बनाना, तो एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनाते, क्वेश्चन बना दिया और उसमें आंसर वो ऑप्शन कैसे डालने, हाँ बढ़िया शाबाश सबका आ गया लगभग रिप्लाई। हाँ उसमें क्वेश्चन कर, अब बताओ हम लोग को क्विज बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी, हम लोग को ड्रॉप डाउन की जरूरत होगी या शॉर्ट आंसर की या पैराग्राफ की या एमसीक्यू की। हाँ बढ़िया शाबाश वापस आ जाते हैं ठीक है इस पे आ गए। अब ये था हमारा बेसिकली क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। अब ना इमेज सेट कर रहा है, इमेज कैसे डालोगे, जैसे मैं कर देता हूँ आइडेंटिफाई द प्लेयर, आइडेंटिफाई द प्लेयर, तो ये देखो यहाँ ये चीज दिख रही है आपको, ये एक ओ, गैलरी वाला वो फोटो वाला आ रहा है ये साइड में, ये दिख रहा है। यस हाँ सर इससे इससे ना फोटो सेलेक्ट करते हैं, इससे फोटो सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाओगे आप कैमरा में जाओगे, यहाँ पे अपलोड करना है कैमरा, मतलब अभी आप अभी कैमरे से फोटो ले लो, बाय यूआरएल से यूआरएल डाल दो, तो इसमें अब इसमें ना आपको गैलरी में ऐसे जाना, जैसे मेरी इमेज है मैं ये इमेज कर लेता हूँ, ये देखना अभी सेलेक्ट हो जाए, ये देखो आगे होम वर्कआउट फॉर बिगिनर्स दिख रहा है आप सबको। यस सर यस सर हाँ ये देखो होम यस वर्कआउट फॉर बिगिनर्स, तो ये फोटो आ गई, ये मैंने फोटो सेलेक्ट की है। अब मैं इसमें पूछ लूंगा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेयर करके मैंने कर दिया, वो तो मैं दूसरी फोटो सेलेक्ट कर रहा था लेकिन वो दिख गई तो वो डाल दिया। अब इसमें पूछ रहा विच एक्सरसाइज इज नॉट इन दिस इमेज, ठीक है आप देखो एक्सरसाइज देख लो आप लोग कौन कौन सी है, स्क्वाट्स है, जंपिंग जैक्स है, पुशअप्स है, लंजेस है, डिप्स है एंड प्लैंक है। अब मैं टाइप कर दे रहा हूँ, मैं कर दे रहा हूं प्लैंक, पुशअप, हाई नीज, हाई नीज, इसको पुशअप की स्पेलिंग, पुशअप्स, हाई नीज एंड जंपिंग जैक, करेक्ट आंसर क्या है इसका, हाई नीज तो इसका आंसर है हाई नीज। तो ऐसी इमेज डाल के भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और इमेज डालना कैसे, जो बगल में मैंने बताया एक गैलरी वाला ऑप्शन आता है, यहां से आप इमेज डाल सकते हो, तो हम लोग बेसिकली बना लिए। अब देखो ये था, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो यहाँ पे ना बहुत सारे और ऑप्शन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे ना वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ये है यूट्यूब वाला, यहाँ पे नीचे देख सकते हो आप अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे गैलरी वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टीटी टेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, या फाइल अपलोड वाला आ रहा है, ये भी है, और यहाँ से जो बगल में डबल वाला आ रहा है इससे वो पेज चेंज हो जाता है, ये साइड ये जो बगल में है डबल वो कर रहे हैं, 1 मिनट इसको पहले, ये यूट्यूब का हो गया, ये गैलरी का हो गया, मतलब फोटो लगा रही है, टेक्स्ट वाला, फाइल अपलोड वाला हो गया, ये क्वेश्चन ऐड करने वाला हो गया, तो इसका बेसिकली इसका भी यूज है। कोई वीडियो डाल दो आप उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो, गैलरी में कोई फोटो डाल दो उससे कोई क्वेश्चन पूछ लो, वो सारी चीजें आ जाती है इस पे, मतलब इसके बीच में आएंगे, ये क्वेश्चन के उसमें नहीं आएंगे, यहाँ जो नीचे कॉलम दिख रहे हैं, ये जो नीचे रो में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसके जो वो होंगे वो क्वेश्चन में नहीं आएंगे, वो एक्स्ट्रा निकल के आ जाएंगे ठीक है, लेकिन ये जो ये वाली गैलरी है इसको ये यहाँ पे इसमें भी कुछ भी वो करोगे, यूआरएल डालोगे, फोटो डालोगे, वो यहाँ पे आ जाएगी, क्वेश्चन में आ जाएगी, पर्पज ये बताने का। मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसको डिलीट कर दो, हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये तो डिलीट वाला ऑप्शन आ रहा है, सब मल्टीमीडिया चलाते हैं, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, एप्पल के फोन चलाते हैं, आईफोन चलाते हैं, तो उसमें सबको पता होता है ये डिलीट का आइकन बना हुआ है, कंप्यूटर में बना रहता है, तो यहाँ से डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया, तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन हो गए। तो इतना सबको समझ आ गया कि क्वेश्चन बनाने कैसे, इमेज कैसे डालनी है, वीडियो कैसे डालनी है। अब बताओ चैट बॉक्स, आई एम यस सीइंग द चैट बॉक्स, बढ़िया देखो ये हो गया। अब देखो मैं यार मैं बीच में भूल गया तुम लोगों को बताना है, तुम लोग नोट कर रहे हो ना एरो बना के कि एमसीक्यू सेलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे नंबर डालने हैं, फिर वीडियो को कैसे जाना है, वीडियो जो बगल में गैलरी लिखी है, गैलरी के बाद फोटो सेलेक्ट कर अपलोड भी जाके फोटो अपलोड कर दिए, देखो तुम्हें समझ आ जाएगा, कि नहीं लिखा है तो अभी कॉपी में सुनते सुनते लिखते रहो
ठीक है ये हो गया, पूरा नहीं लिखना है कि मतलब पूरी लैंग्वेज लिखनी है, पूरा सेंटेंस लिखना नहीं, एक जस्ट एक वर्ड होता है वो बहुत होता है हिंट के लिए। तो बढ़िया, बेसिकली हमने तीन क्वेश्चन की वो बनाई, क्विज बनाई, ठीक है। अभी ये क्विज बने नहीं, अभी ये एक्चुअली क्वेश्चन बने, अब इसको क्विज बनाना है। अभी मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया कौन सा आंसर है कौन सा क्या है, ये तो मैंने क्वेश्चन डाल दिए। अब देखो क्विज कैसे बनाना है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाओ, अगर अब नहीं लिखा है तो अब लिखना स्टार्ट कर देना। देखो ये वाली चीज होती है, ये ना थीम होती है, इसको खुद करोगे चेक वेक करोगे तो तुम लोग समझ आ जाएगा। थीम कलर होता है, जैसे अभी आप पीछे देख रहे होंगे कौन सा कलर ज्यादातर चल रहा है, तो ये पीछे साइड देखो पर्पल टाइप दिख रहा है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से देखो ये देखो रेड हो गया, क्वेश्चन जहाँ लिखा है वो रेड आ गया, नीचे जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ ये सब चीज ना बताऊं क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन दिख जाती है तो फिर मन करता है कि बता दो, कोई बात नहीं है ना। ये देखो ये रेड कलर आ गया, आप देखना आप कलर चेंज, वो थीम में कलर चेंज करूंगा तो वो कलर चेंज हो जाएगा। ये देखो ब्लू आ, ये ब्लू ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो रेड था वहां पे ब्लू आ गया, दिखा सबको? यस सर। हाँ मतलब ये चीज समझ आ गई। देखो अब यहाँ पे यही जो बना हुआ है ये ड्रॉइंग का पेंटिंग वाला, ये ड्राइंग का पेंटिंग वाला, इससे चेंज होता है, इससे थीम में चेंज होती है। देखो अभी मैंने क्विज नहीं बताई है, देखो अब बैकग्राउंड कलर इससे चेंज होता है, ये जो नीचे फॉन्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हो। फॉन्ट मतलब क्या होता है, जो आ रहा है ना आपका लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ आ रहा है टुडे इज विच डे, उसका फॉन्ट का वो चेंज हो जाएगा, दूसरी स्टाइल में आ जाएगा। और यहाँ पे थीम कलर है, यहाँ पे हेडर है, हेडर में ना इमेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब देखो यहाँ चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ये हेडर वेडर के लिए होती है, यहाँ कोई फोटो लगा सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली ध्यान रखना इसको आखिर में अप्लाई जरूर कर देना है, अप्लाई कर दोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? यस सर। चलो अब इसको ये वापस आता हूँ, इसका जो स्टिचमेंट का है ना बस यही फीचर खराब है, बाकी सब बढ़िया है कि मतलब वो बना ही रहता है, उसको हटाने के लिए अलग तरीके से करना पड़ता है, ठीक है। चलो अब क्विज पे आ रहे हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। हमने क्वेश्चन बनाना सीख लिया, हमने टाइटल डालना सीख लिया, हमने डिस्क्रिप्शन बनाना सीख लिया, ये सब आ गया। अब हम लोग को क्विज में कैसे कन्वर्ट करना है, देखो अब यहाँ पे तीन लाइन आ रही है, ये थ्री डॉट्स दिख रही है ऊपर मेरी फोटो के बगल में, मेरी आईडी की फोटो के बगल में, ये यस सर, यस सर, ठीक है। इस पे जाना है, इस पे जैसे ही जाओगे आप तो आपके पास ये आएगा सेटिंग, दूसरे नंबर पे सेटिंग दिख रहा है? यस सर, Yes, sir. देखो इसमें प्रीव्यू में क्या है, जो क्विज बन जाएगी उसको हम लोग प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि कैसे खुल रही है, लोगों को कैसे दिखेगी। मतलब आपने तो बनाई है, आप तो खेलोगे नहीं, तो आपको देखना है कि आप भेजने से पहले कि कैसे खुल रही है, कोई मिस्टेक है तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे। और इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, गूगल फॉर्म में क्योंकि हम लोग ऑनलाइन करते हैं, नेट से करते हैं, तो आप जो भी चेंजेस करते हो ना वो ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहे हैं। जैसे हम लोग वर्ड फाइल बनाते हैं, पावर पॉइंट बनाते हैं, एक्सेल शीट बनाते हैं, तो उसमें हम लोग को बार बार फाइल सेव करनी पड़ती है। लेकिन जब ऑनलाइन काम करते हैं, गूगल फॉर्म बनाते हैं, शीट बनाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली फाइल सेव होती जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। मान लो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या फिर नेट कट गया तो ये आपका शो होगा, लेकिन ये शो यहाँ नहीं होगा, ये शो होगा आपका ड्राइव में, या फिर आप लैपटॉप से खोल रहे हो तो डायरेक्ट आपके उसमें आ जाएगा, आपका रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा। चलो छोड़ते हैं, वापस आते हैं, ये सेटिंग में यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे सेटिंग है, इसमें जा रहा हूँ। अब क्या करना है, अब देखो जिसमें इसमें पहला ऑप्शन दिख रहा है कलेक्ट ईमेल्स, अगर आपको ईमेल्स चाहिए तो रख लो वरना मत लो। जैसे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी ले लेते हैं, बाद में उनको मैसेज वैसेज भेजना होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, जैसे आपका बायजूस वगैरह हो गए, ये सब वेदांतु हो गए, ये सब हो गए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लीड्स जनरेट करते हैं। लीड्स मतलब क्या होता है कि वो आपका नंबर सेलेक्ट, कोई भी एग्जाम करा के नंबर ले लेते हैं, फिर आपको बार बार कॉल करते हैं कि सर वो मैं बायजूस से बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ सर वो एक पैकेज था हमारा, ये रुपये, ये कमीशन। किस किस के पास फोन आया अभी तक बायजूस का, बताओ सर? मुझे वो लोग की वो टेक्निक होती है, टैक्टिक्स होती है। और वो लोग को नंबर कहाँ से मिलता है पता है, वो लोग जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना किसी क्विज में, जैसे ओलंपियाड, स्कूल में ओलंपियाड वगैरह होता है, उसमें आप लोग फोन नंबर डालते हो अपना, स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है उसमें फोन नंबर डालते हो, वो सब नंबर वो लोग वहां से निकालते हैं, फिर आपको फोन करते हैं कि सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ हमारा पैकेज है, फिर आपको कन्विंस करके वो खरीदवा ही लेते हैं, ज्यादातर चांसेस होके खरीद। ऐसा नहीं होता कि उनका कंटेंट या मटेरियल खराब होता है, लेकिन फिर भी जितना वो एक्चुअली में उसकी प्राइस है उससे बहुत हाई करके देते हैं, बहुत आगे बहुत ऊपर हाई करके देते हैं। तो कोई बात नहीं, फिर वापस आ जाते हैं, मैं भटक जाता हूँ, चलो वापस आते हैं। देखो कलेक्ट ईमेल से ये हो गया, ईमेल
क्या जरूरत है, समझ आ गया कि अगर आपको किसी की ईमेल चाहिए उसको वापस रिप्लाई भेजना है तो ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं। लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दिया, मैंने कर दिया लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, तो एक जो पर्सन है वो एक जीमेल आईडी से एक ही बार खोल सकता है, अदरवाइज वो दोबारा खोलेगा तो दिखाएगा कि ये ऑलरेडी आपने ये खेल चुका है, सबमिट कर चुका है, अब दोबारा नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। Yes, देखो यहाँ पे तीसरी जगह लिखा है रिस्पोंडेंट स्कैन। रिस्पोंडेंट स्कैन मतलब मैंने क्विज बनाई है और आप लोग रिस्पोंडेंट्स, आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो उसमें एडिट आफ्टर सबमिट, मतलब आपने सबमिट कर दिया, मान लो आपसे ये जनरली एक फॉर्म वगैरह में होता है, क्विज वगैरह में नहीं होता, क्योंकि क्विज वगैरह में सबमिट कर दिया, अगर आपको लगता है मुझे सही करना है तो आप लोग आंसर वंसर चेक करके कहीं दूसरी जगह पता करा के इसको क्लिक कर दोगे, तो इसको मत करना क्विज बना रहे हो तो, क्योंकि एडिट नहीं करना हमें, हमें एक बार सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, एक बार आपने खेल लिया दोबारा मौका नहीं देना। ठीक है, फिर समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, फिर समरी चार्ट्स आता है, समरी चार्ट बन के आता है कि आप मतलब किस किस क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन थे और किस में कितने कितने आंसर कैसे दिए, तो ये सब इसमें आता है, तो इस दोनों को जनरली खाली छोड़ देते हैं, बेसिकली खाली छोड़ देते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ईमेल आईडी चाहिए तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। फिर आते हैं, देखो बगल में जनरल दिख रहा है, उसके बगल में प्रेजेंटेशन दिख रहा है। यस सर। आप लोगों ने कॉपी में लिखा ना थ्री डॉट्स जो साइड में बन रही है, नाम के बगल में थ्री नेम लिख दो, उसके बगल में थ्री डॉट्स लिख दो, फिर एरो करो, फिर लिख दो सेकंड वाला सेटिंग में जाना है, सेकंड में जाने के बाद जनरल में जाना है, एरो करके जनरल लिख दो, जनरल में डाउन एरो करो या कहीं भी एरो करो जहां जगह लिख रही है वहां लिखो लिमिट टू वन रिस्पॉन्स पे टिक करना है। देखो ऐसे ही समझ आएगा, अदरवाइज आप खुद देखो, तुम्हें तो समझ आ जाएगा, मुझे तो लग ही रहा है कि तुम लोग को आ जाएगा, लेकिन कहीं डाउट हुआ तो फंसोगे नहीं, उसके लिए इतना तो कर ही लो, इतना तो कॉपी लेके बैठो, इतना तो कर ही लो। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन में आते हैं, उसके बगल में फिर प्रेजेंटेशन लिखो, प्रेजेंटेशन लिख के इसमें क्लिक करना, फिर देखो शो प्रोग्रेस वार मतलब दिखाएगा कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, इतना क्या कर रहा है, तो ये जनरली हम लोग हटा के रखते हैं क्योंकि हम लोग से इससे काम बढ़ जाता है, मतलब कि बार बार मैं वही क्विज करा रहा हूँ, इसमें चेंज करवा रहा हूँ, तो आपको मैं भेज रहा हूँ क्विज, तो आप लोग आंसर दे रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा कितना इम्प्रूवमेंट करे, उसका पहले वाला स्कोर क्या था और इस बार का स्कोर क्या है, इस वाले क्विज में उसको क्या क्या बढ़ा, किस किस में आए उसके आंसर, तो ये सारी चीजें से प्रोग्रेस दिखाता है। कुल मिला के ये आपका रिजल्ट के रिलेटेड है। सफल क्वेश्चन ऑर्डर में क्या है कि जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है, मान लो 1 2 3 दिया है, वो उल्टा सीधा हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, मतलब रैंडमली आएंगे आपके पास क्वेश्चन, मतलब दिखेंगे तो सभी, ऐसा नहीं आएगा एक बार में एक क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा नहीं है आप नीचे स्वाइप करते जाओगे, नीचे की तरफ करते जाओगे, स्लाइड करते जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसको सफल कर दोगे तो पहले 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, पहले 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसके बाद 1 का आ जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। देखो फिर क्या है ना, ये देखो कन्फर्मेशन मैसेज दिख रहा है सबको? यस सर। देखो कन्फर्मेशन मैसेज मेरा ना फेवरेट है, सबसे फेवरेट है मेरा कन्फर्मेशन मैसेज, क्यों? क्योंकि हम जो भी क्विज बनाता है, मैंने देखा है कभी भी कोई क्विज बना रहा है वो ना यही छोड़ देता है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आप जब सबमिट कर देते हैं तो आपको दिखता है कि योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, मतलब आपने जो रिस्पॉन्स दिया है वो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन आपने अगर मेरा कभी दिया होगा, आप लोग ने जो केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने तो बहुत सारी मेरी क्विज खेली होंगी, तो मुझे एंड में है ना, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें डालता हूँ कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, अच्छा कर रहे हो, कीप डूइंग, मोटिवेटेड रहो और अच्छा करो, है ना? आपने देखा ही होगा, ये फर्क देखा होगा, क्यों? अगर ध्यान दिया होगा बच्चों ने, केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी के बच्चों ने, तो उनको समझ आया होगा कि मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली लोग कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसमें जो भी आप लिखना चाहो, उसको थैंक यू कहना चाहो या फिर मोटिवेट करना चाहो या नेक्स्ट क्विज की टाइमिंग बताना चाहो या फिर यहाँ से कोई लिंक शेयर करना चाहो, तो वो सब कर सकते हो यहाँ के थ्रू, यहाँ पे लिंक विंक सब शेयर हो जाती है। तो ठीक है, हमारा प्रेजेंटेशन हो गया, अब चलो क्विज में आ जाओ। अब हमारा मेन काम है, अभी तक हमने क्विज बनाई नहीं है, अब इसको क्विज में करने का वक्त आ गया। अब क्विजेज में जाना, क्विजेज दिख रहा है ना सबको बच्चों? यस सर। तो देखो क्विजेज में जाना है, फिर ये देखो लाइन आ रही है सबसे पहली वाली, मेक दिस क्विज। अब इसको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है, ये देखो अपने आप आ गए। अब देखो ये क्या है, रिलीज ग्रेड इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन, मतलब तुरंत बता देना आपको स्कोर, आपने क्विज खेली, आपने जैसे फिनिश किया आपको तुरंत स्कोर पता चल गया, इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन आपको
तुरंत मिल गए। और लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, लेटर मतलब आफ्टर मैनुअल रिव्यू मतलब ऐसे आंसर आपने एमसीक्यू अलावा भी बना के रखे, जैसे इसमें शॉर्ट आंसर टाइप है, या फिर आपने एमसीक्यू में ही कर दिया कि मैं बाद में चेक करके बताऊंगा, कुछ दिन बाद बताऊंगा बच्चों को, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताना चाहता मैं, बच्चे क्यूरियस रहे जानने के लिए उनका क्या रिजल्ट आया क्या आया, तो वो लोग क्या करते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू कर देते हैं। ज्यादातर टीचर ये करते हैं क्योंकि वो तुरंत आंसर नहीं बताते, क्योंकि बच्चे आंसर पता चल जाते तो पता चल जाता है कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्या है, वो सब कर देते हैं पता चलता, फिर शेयर कर लेते हैं। तो जनरली इमीडिएट आफ्टर ई सबमिशन टीचर नहीं करते हैं, ऐसे नॉर्मल क्विज वेज होती है वो सब कर देता हूँ क्योंकि छुपा के फायदा ही क्या है। तो इमीडिएट आफ्टर ई सबमिशन इस पर क्लिक कर सकते हो, बाकी इन दोनों का मतलब समझ आ गया, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ठीक है। फिर इसका देखो रिस्पॉन्डेंट कैन सी, रिस्पॉन्डेंट कौन है, आप लोग हो, याद रखना रिस्पॉन्स जो दे रहा है वो है रिस्पॉन्डेंट। मिस क्वेश्चन आप क्या देख सकते हो, आपने कौन कौन से क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब मैंने 5 क्वेश्चन दिए, जैसे अभी 3 दिए, 3 में आपने 1 कर लिया 2 नहीं किए, तो आपको वो दिखाएगा आपने 2 नहीं किए, करेक्ट आंसर दिखाएगा कि कौन कौन सा करेंट आंसर है, और पॉइंट वैल्यूज दिखाएगा कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो आपको दिखाएगा। मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें मैंने आपको बताया नहीं कितने पॉइंट का है कितने मार्क्स का है, तो आप लोग पता कैसे चलेगा। तो ये पॉइंट वैल्यू वही है कि ये मार्क्स बताते हैं कि जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है। तो इतना आ गया, अब इसका फाइनली क्या करना है, आपको सेव करना है, एसएवी सेव ऊपर दिख रहा है, इसको सेव करना जरूरी है। अगर आप इसको सेव नहीं करोगे, यहाँ पे सेव आपका बन तो रहा है लेकिन कोई सेव नहीं होगी, ठीक है, तो इसको सेव करना जरूरी है। यहाँ पे सेव कर दोगे तो आपकी वो जो मैंने बनाई थी वो क्विज में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी देखो करते हैं, सेव कर दे रहा हूं मैं, डन डन डन, ठीक है। देखो अब यहाँ पे वापस आते हैं, अब मुझे अच्छा मैं बताऊं, नेम में मार्क्स लगाऊं, नेम में मार्क्स लगाऊं, दो नंबर का नाम नेम में मार्क्स लगाऊं क्या? नहीं ना, नहीं लगाना है, क्योंकि नेम तो सबके अलग अलग होंगे, वो कैसे नाम में क्या स्पेलिंग चेक करूंगा या फिर क्या चेक करूंगा, कुछ चेक करूंगा, तो नेम में नेम को क्विज नहीं बनाना है। फिर यहाँ पे क्लास को भी क्विज नहीं बनाना है, क्योंकि ये तो सभी सही कर देंगे, इसको क्या है, अपनी क्लास तो सबको पता ही होती है। अभी आपने देखा ना ये चीज नीचे आ गई, मतलब मेरे से सेलेक्ट हो गई तो ये चीज नीचे आ गई, मतलब ये क्या है, इसको ना यहाँ ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मान लो ऊपर नीचे हो जाता है उसको होल्ड करके रखना है थोड़ी देर बाद, फिर उसको अप डाउन करना पड़ता है, मतलब लो जहाँ भी रखना है। ये जनरली जब होता है, जब मतलब क्वेश्चन आप पता नहीं रहता कौन सा क्वेश्चन ऊपर डालना है कौन सा क्वेश्चन नीचे डालना है, ठीक है। तो अब हम लोग को किसको क्विज बनानी है, देखो मैंने इसको ना नेम को रिक्वायर्ड करके रखा है, ठीक है, नेम को क्या करके रखा है, रिक्वायर्ड करके रखा है। और यहाँ पे नेम को क्यों रिक्वायर्ड करके रखा है, ये नेम है यहाँ पे रिक्वायर्ड दिख रहा है, इसको क्यों रिक्वायर्ड करके रखा है बताओ कोई, ताकि चल सके कि किसने क्विज दिया है कौन सा। हाँ, क्योंकि कंपलसरी है, नेम तो जानना जरूरी है उसको, जिसमें भी मैं रिक्वायर्ड में क्लिक करूंगा वो कंपलसरी है, मतलब आपको वो भरना ही है, उसके बिना आपका क्विज नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो। जैसे ही आप सबमिट करने जाओगे वो कहेगा अरे आपने तो वो भरा नहीं, आप उनसे मिले ही नहीं, उनसे मिलके जाइए तो ऐसा होगा, ठीक है। तो और क्लास को भी मैं कंपलसरी कर दे रहा हूँ, क्लास को भी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपलसरी कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास भी भरना जरूरी है। ये क्या आ गया, अपडेट योर फोन, मेरा फोन अपडेट मांग रहा है, चलो ठीक है। फिर है टुडे इज विच डे, आज संडे है, हैप्पी संडे, मैंने पहले ही बताया था आज संडे है, तो इसको मैं क्विज के क्वेश्चन को ना कंपलसरी नहीं करूंगा। अब देखो क्विज बना रहा हूँ, इस पे आ गया, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, बैक टाइप बॉक्स जिसमें टिक लगा है, दिखा सबको? यस सर, यस सर, यस। ये वाला, अब ये इंपॉर्टेंट, देखो ये लिखना जरूरी है, फिर आप वरना ढूंढते रहोगे कि कहाँ क्या करना था, ये कॉपी में लिख लो, ब्लू बैग है, टिक बना हुआ है उसमें, ब्लैक टाइप आइकन है उसका, उसमें करना है, ठीक है। तो ये है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, देखो इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो मार्क पॉइंट पॉइंट के बगल में आ गया, पॉइंट्स दिख रहा है, पॉइंट्स के बगल में 0 लिखा है। यस सर, तो आप तुम बताओ मैं कितने मार्क, ये क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, ये रख रहा हूँ 2 मार्क्स का, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स का क्वेश्चन रख रहा हूँ, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या, आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ से स्लाइड करना है और सेलेक्ट करना है आपका आंसर, आंसर कौन सा है, संडे, तो मैंने संडे सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका फाइनल प्रोसेस है, यहाँ पे डन करना जरूरी है। यहाँ पे 3 चीज की हमने, पहले ब्लू बैग पे गए जिसपे टिक बना था, फिर वो हमें 2 पॉइंट्स पे ले जाएगा, पॉइंट्स में हमें रख देना कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 का 2 का 5 का 10 का, कितने नंबर का क्वेश्चन है वो रख देना है। फिर उसके बाद हमें आंसर सेलेक्ट करना है, आंसर हमने सेलेक्ट कर दिया संडे, संडे ही है आज, वैसे तो जो दिन होता है वो कर सकते हैं, हमने संडे कर दिया।
फिर उसके बाद फाइनल में जब तक अभी इस क्वेश्चन का ये क्विज में कन्वर्ट नहीं होगा तो इसको डन कर देना है। आंसर फीड एड आंसर फीडबैक, मतलब आंसर करोगे उसमें फीडबैक दे देना है, कैसे मतलब कुछ भी लिख दो, आज संडे है छुट्टी थी ये सब, मतलब कुछ भी फीडबैक कुछ मिला के उससे आंसर से रिलेटेड अगर कोई फीडबैक देना चाहते हो। जनरली बहुत जैसे इंडिया का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था वो, जो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, अनऑफिशियली हॉकी है, ऑफिशियली कोई गेम नहीं है, तो आप एड आंसर फीडबैक में कर सकते हो कि इंडिया का कोई भी नेशनल गेम नहीं है, आपने गलत आंसर किया है, मुझे पता था आप यही करोगे, आप पढ़ते लिखते नहीं हो मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, कुछ मिला के आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा डन, हमने बना ली एक क्वेश्चन। हमारे कितने मार्क्स की क्विज बन गई अभी बताओ? टू मार्क्स की क्विज बन गई। देखो अभी ये देखो यहाँ रिक्वायर्ड है, मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया, मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी नहीं आप करना, आप अगर छोड़ भी दोगे तो आपको वापस मिलने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जैसे मान लो आप घर में आए, मेरे घर मिलने आए, मेरे घर में मम्मी पापा सब लोग भाई लोग सब लोग हैं, अब आए, अब पापा से मिलके जाना जरूरी है, वरना पापा पूछेंगे कौन आया था, कहाँ आया था, कैसे आए थे, तो अब क्या है मैं इसको रिक्वायर्ड कर दूंगा, तो मतलब आपको पापा को मिलके ही जाना है, कुछ भी हो जाए आपको पापा को मिलके, बिना आप उसके गेट के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो जब तक आप पापा से नहीं मिलोगे तब तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर मैंने ये चीज छोड़ दी, रिकॉर्ड वाली चीज छोड़ दी, तो आप पापा से नहीं भी मिलोगे तो भी आप जा सकते हो आराम से, पापा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया, लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन में रिक्वायर्ड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अब क्या है कि दूसरा है, अब हम लोग को सबसे पहले क्या करना था, इस पे क्लिक करना था, नंबर ऑफ टू प्लेयर्स इन कबड्डी पे क्लिक करना था, क्लिक किया, अब कहाँ जाना है, ब्लू बैग पे, ब्लू बैग पे गए, अब कहाँ आ गए, अब क्या करना है, ये डाल दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन तीन नंबर का डाल दे रहा हूँ, चलो तीन का डाल दे रहा हूँ। फिर इसके बाद फिर क्या करना है, अरे बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, फिर करना है, मैं तो डन करने जा रहा था, तुम लोगों ने बता दिया करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, फिर क्या है, शाबाश। देखो अगर आप लोग ये चीज नहीं करते हो ना तो भी आपको बाद में मौका, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के ये बिना किए बाहर आ जाओगे तो नहीं होगा, लेकिन इससे आप साथ ही साथ करते जाओगे तो इजी हो जाएगा। बाद में कंफ्यूजन होती है कि किस क्वेश्चन का आंसर रह गया, किस क्वेश्चन का नहीं हुआ, वो आपको पता नहीं चलता। मान लो आपने पूरी क्विज बना ली, आपने सोचा आपने सब में कुछ पॉइंट्स दे चुके हैं, मार्क्स डाल चुके हो, आपने 20 नंबर की क्विज बना ली, 10 क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें दिखा रहा है, आपने जब पूरी बना ली तो दिखा रहा है कि अभी 16 ही नंबर हुए, तो फिर आप दोबारा वापस जाओगे देखोगे किस किस क्विज में, तो एक एक क्वेश्चन में जाना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है कि किसने आंसर सेलेक्ट किया, हमने आंसर सेलेक्ट किया कि नहीं किया, दोबारा देखना पड़ता है, तो साथ ही साथ ये प्रोसेस अपनाओगे तो साथ ही साथ चलता रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रिक्वायर्ड मतलब कंपलसरी है, अब इसका आंसर आपको देके आना ही पड़ेगा, आप पापा से आपको मिलके आना ही पड़ेगा। फिर यहाँ देखो विच एक्सरसाइज इज नॉट इन दिस इमेज, अब इसमें कौन सी इमेज नहीं थी, अब इसमें मैं क्या करूँ, सबसे पहले क्या करूँ, अभी मैंने कुछ नहीं किया इस एक्सरसाइज में, सब क्वेश्चन पे क्लिक करना है। हाँ, क्वेश्चन पे क्लिक करना है, अब क्वेश्चन पे क्लिक कर दिया तो अब देखो ये आ गया, अब कहाँ जाना है, ब्लू बैग पर, ब्लू बैग पे गए, फिर अब कहाँ जाना है, अब क्या करना है, पॉइंट्स लिखने, पॉइंट लिख दिया मैंने, और फिर फाइनली मैं कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करना है, हाई नीस कर दिया, फिर मैंने कर दिया डन। अब मैं इसको रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ, अब रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूँ तो आप बिना पापा से मिले भी जा सकते हो, अब आपको इसको सबमिट करना है तो आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, हमने तीन क्वेश्चन की क्विज बना ली, ये कितने मार्क्स की होगी, दो मार्क्स का ये क्वेश्चन तुझे विज दे, तीन मार्क्स का ये क्वेश्चन पांच, और पांच मार्क्स का ये क्वेश्चन, तो कितने हो गए, 10 नंबर की क्विज हमारी बन गई। अब क्या प्रोसेस है, अब आपकी क्विज तो बन गई, अब इसको चेक करना है, चेक कहाँ से करोगे, यहाँ गए और ये प्रीव्यू में जाना है, आपको खुद देखना है ना, अब दीपक सर को देखो, अब दीपक सर एज अ बच्चा क्विज खेल रहे हैं, अब नेम आया, मैं नेम भर दे रहा हूँ दीपक डॉन कुछ भी भर दो, दीपक डॉन भर दिया, क्लास अभी मैं बच्चा हूँ, फर्स्ट क्लास में भर दिया, टुडे इज विच डे, आज कौन सा, देखो यहाँ दिख रहे हो, दिखा रहा है टू पॉइंट्स का क्वेश्चन है बगल में, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने वहाँ सेलेक्ट किया था कि टू पॉइंट्स आएगा, मतलब पॉइंट्स हमें शो करना है, करवाना है बच्चों को, अगर ये नहीं करवाओगे तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये हमने करवाया था, तो टुडे इज विच डे मुझे पता नहीं, मैं कर दे रहा हूँ आज फ्राइडे है, आज पता ही नहीं, मैं गलत कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी अब है, इसको मैं अभी क्वेश्चन छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे आता ही नहीं, अरे कितने प्लेयर होते हैं यार नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाला क्वेश्चन विच एक्सरसाइज इज नॉट इन दिस, देखो तीन क्वेश्चन थे, एक में हमने कंपलसरी, दो में
एक में कंपलसरी किया था, दो में कंपलसरी नहीं किया था, मतलब रिक्वायर्ड वाले में टिक किया था एक में और दो में नहीं किया था। तो एक को मैं आंसर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और ये वो जो थर्ड वाला है जिसको कंपलसरी नहीं किया था इसको भी आंसर दे दे रहा हूँ। इसका आंसर एक तो सही करूँ, हाई नीज था। ठीक है, अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। सबमिट नहीं हुआ, देखो किस पे ले गया मुझे, दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन। कह रहे हैं पापा से मिल के आओ तभी गेट के बाहर जाने देंगे, हमने सिक्योरिटी गार्ड लगा रखा है ना। तो उसने कहा दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, इसको आपको रिक्वायर्ड करना है, ये जरूरी है आंसर देना। तो अब मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं आता तो है नहीं, कुछ भी डाल दो, पांच डाल दिया। ठीक है, अब मैंने पांच डाल दिया, अब मैं सबमिट कर सकता हूँ। सबमिट किया, अब ये देखो उस टाइम जो कंफर्मेशन कोड था उसमें यही लिखा था योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ये रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड वाला आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने बोल दिया था कि बच्चों को जो भी बच्चा क्विज खेले उसको तुरंत आंसर दिखा दिया जाए, तो इसमें व्यू स्कोर, तो तुरंत आंसर दिखा दिया। मेरे नंबर कितने हैं, 10 में से 5, 50% आए। पास हो गया, वैसे 33% पासिंग मार्क्स होता है ना, तो पास हो गया। तो देखो ये 50% मेरे मार्क्स आए, तो इसमें मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। अरे यार ये तो संडे था, देखो नीचे दिखाता भी है कि कौन सा है। अब मड्डी था मेरे, मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन सही कर दिया, हाई नीज कर दिया। तो ये चीज हो गई, ये मैंने ये प्रीव्यू किया है। प्रीव्यू किया मतलब ये ऐसे दिखाएगा आपको क्विज, जो बच्चा खेलेगा ना उसको ऐसे दिखाएगा। फिर इसके बाद ये टैब वाला अपने इस पे वापस आ जाए। ठीक है, हमने क्विज बनाना सीख लिया, बच्चों को कैसे दिखेगी क्विज वो सीख लिया। अब क्या करना है, अब इसको यहाँ पे इधर जाना है, ये जो एरो टाइप दिख रहा है ना, एरो टाइप, यस सर, ये एरो दिख रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस सर। वही आवाज नहीं आई, मैंने कहा एक ही लोग है क्या अभी, देखो मैंने बड़ी देर से स्क्रीन नहीं देखी, मुझे पता नहीं कौन कौन है। चलो ठीक है, अब क्या है, देखो एरो पे जाना है, एरो पे ना आप शेयर करोगे लिंक, लेकिन उससे पहले एक चीज देख लो, ये रिस्पॉन्सेज में एक बन के आ रहा है, वन बन के आ रहा है, वन, ये देखो ये वन कौन खेला है, ये मैंने ही खेला है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स आ गया, किसने खेला है, मैंने खुद खेला है, प्रीव्यू मैंने चेक किया था। तो इस पे क्लिक करना है तो आपको ये आ जाएगा कि उस बच्चे ने क्या क्या क्वेश्चन थे, दीपक डॉन ने दीपक डॉन ने क्या क्या किया। पहला क्वेश्चन ये दीपक डॉन भरा नाम में, उसने क्लास में फर्स्ट भरा, उसने आंसर ये गलत कर दिया। फिर इंडिविजुअल वाइज भी देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पूरा आ जाएगा, जैसे दीपक डॉन ऐसे आप भरोगे ना तो मैं यहाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करता रहूंगा, वन बाई वन ऑफ वन लिख के आ रहा है बगल में, उसको आगे करता रहूंगा तो ये आ जाएगा, दिखा देगा। तो ये हो गया हमारा, अब आ जाते हैं शेयर करना, फाइनल स्टेप पे आ गए, हम लोग सब कुछ सीख लिया, अब हमें करना है शेयर कैसे करते हैं। तो शेयर में जो एरो दिखा रहा था, जो ऊपर एरो बन के आता है उसमें जाना है, एरो में गए, यहाँ जाना है, यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है। आप किसी को डायरेक्ट मेल करके भेजना चाहते हो तो मेल करके भी भेज सकते हो, लेकिन हम लोग को ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े लेवल पे नहीं कर रहे कि डायरेक्टली मेल करके भेज दे लोगों को। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे ये जो बन के आ रहा है उसके बगल में लिंक वाला, शेयर करने वाला, ये वाला ये जो बीच वाला है इस पे जाएंगे, इसमें गए, इसमें जाएंगे जैसे, फिर ना लिंक शेयर करने का ऑप्शन आए। अरे नहीं 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 सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, चली गई, मैंने खुद का हटे दिया, एक मिनट में शेयर कर लू। देखो ये वाला जो लिंक वाला ऑप्शन है ना, आप दिख रहा है ना सबको? यस सर, हाँ, ये जो लिंक वाला, ये जो लिंक वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है, फिर ये जो लिंक आ जाएगी, देखो लिंक दिख रही होगी आपको, लिंक दिख रही होगी आप सभी को। अब मैं कर दे रहा हूँ इसको शॉर्टन लिंक, शॉर्टन यूआरएल कर दे रहा हूँ, मतलब वो जो लिंक थी कोई फर्क नहीं है दोनों में, बस ये छोटा हो गया वो बड़ा था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतनी बड़ी लिंक लेके क्या करूंगा, तो मैं छोटी लिंक भेज दूंगा आपको, मैं आपको भेज रहा हूँ छोटी लिंक। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर ली, कॉपी करना जरूरी है, कॉपी कर ली, फिर मैं क्या करूंगा इसको कैंसिल कर दूंगा, मतलब यहाँ से ऐसे वापस आ गया। ठीक है, और मैं इसको क्लास ग्रुप में और जहां भी शेयर करना है वहां पे शेयर कर दूंगा, अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ ही, मतलब कुछ लिख के, ये क्विज है बनाइए, पहली बार हम लोग बनाने जा रहे हैं, कुछ भी लिख के आप लोग पार्टिसिपेट करो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम लोग क्विज बनाना आ गया। और ये देखो और क्या चीज बतानी थी, ये देखो इसमें जो नीचे लिख के आ रहा है ना, एड कोलैबोरेटर्स, दिख रहा है किसी को? यस सर, ये जो ऐड कोलैबोरेटर्स में ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी और को चाहे कि वो भी क्विज देख ले, उसमें एडिट कर दे, तो वो भी कर सकता है। इसमें आपको उसकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, उसके पास उसके मेल में नोटिफिकेशन जाएगी कि आप इसका एक्सेस ले सकते हो, तो आप कंफर्म, जैसे मैं हूँ, मैंने बना लिया,
मैंने ना मेल किसी को ऐड कोलैबोरेटर्स में उसकी मेल आईडी डाल दिया, उसको सेंड कर दिया, उसके बाद भी सेम ऐसे ही दिखाएगा, उसके पास भी ऐसे ही दिखाएगा, उसको भी रिस्पॉन्सेज दिखाएगा, उसको भी एडिट करने का, वो भी क्विज चेंज कर सकता है। तो यहाँ अगर आप चाहते हो तीन चार लोग मिलके बनाए, पांच लोग मिलके बनाए, तो ऐड कोलैबोरेटर्स कर दो और पांच लोग उनकी आईडी डाल दो, मेल आईडी डाल दो, तो सब लोग बना सकते हैं, ठीक है, और सबको आंसर दिखाएगा। अभी क्या है, अभी तो मेरे को आंसर दिखाएगा। चलो अब एक चीज चेक करते हैं कि गूगल इसमें टीचमेंट में लिंक खुलती है कि नहीं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको लिंक भेजने वाला हूँ। अब बताओ आप लोग, चैट बॉक्स में एक लिंक भेज रहा हूँ, देखो खुल रही है आप लोगों के, और अगर खुल रही है तो उस पर पार्टिसिपेट करके आओ जल्दी से। नहीं खुल रही, कंप्लीट करके आओ जल्दी से, जिसके में खुल रही खोल, जिस पे खुल रही जल्दी से दो मिनट में कंप्लीट करो। पहली बात, एक चीज सुन लो, किसी के दस में दस नहीं आने चाहिए, मेरे पांच आए हैं, ठीक है। किसी के दस, किसी के दस में दस नहीं आने चाहिए सर, हमारी तो क्लास ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ भी डाल दो ना, सेकंड थर्ड कुछ भी डाल दो, अभी तो मतलब सीखने के पहले। सर मेरे में टेक्स्ट फॉर्म में, वो तो ऐसे ही चेक करने के लिए बोल रहा हूँ, वो तो ऐसे ही है। अच्छा जिसको चेक करते हैं अभी ना, कोई बात नहीं, कंप्लीट करके आओ, जिसका हो जाए वो यस सर बताना कि मेरी कंप्लीट हो गई क्विज, फिर उसका रिस्पॉन्स दिखाता हूँ मैं उसने क्या बना। मानसिक ओके, कंप्लीट कंप्लीट। चलो अब मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन तो शेयर हो ही रही है। अब मेरे पास देखना, ये देखो रिस्पॉन्स आ गए, देखो पांच रिस्पॉन्स आ गए। अब किस किस का दिखा रहा है मैं बताता हूँ, मैं इसमें इंडिविजुअल में करके रखा है। अब मुझे पहले नंबर पे तो मैं ही था, दूसरे नंबर पे किसने कंप्लीट किया, मानसी त्यागी ने, मानसी त्यागी के ये उसने सर उसके पूरे सही हो गए, दस में दस, ठीक है। फिर है हमारे पास उदिता, उदिता के कितने नंबर है, ये तीन का था, ये आठ नंबर, बढ़िया, ठीक है। ऐसी मतलब चेक करने के लिए जो भी ऐसी बोलता हूँ मैं नॉर्मल की, इतने नहीं लाने इतने नहीं लाने। ये देखो ये कौन था, ये तो दिशु, दिशु ने भी बढ़िया एक आंसर गलत कर दिया, गुड। देखो पहली बार कोई सर बोल रहे हैं आंसर गलत करने पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखो ये कौन है, ये खुशी त्यागी, बढ़िया। ये फिर कौन है लास्ट में, चहक। देखो छह रिस्पॉन्स आ गए, ऐसे जो जो आंसर करता जाएगा ना उसके पास रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ने क्विज बनाना सीख लिया, रिस्पॉन्सेज देखना सीख लिया। और हाँ, अब आप क्या करोगे, अब आप जब दोबारा गूगल फॉर्म में जाओगे ना, मतलब सब कार्ड दे रहा हूँ अभी, मैं कार्ड दे रहा हूँ, हटाओ मुझे नहीं खेलना, गुस्सा आ रहा है। तो क्या है, मैंने कार्ड दिया, अब मेरे को मिलेगा ही नहीं, अब मैं ढूंढ रहा हूँ तो मेरे को मिल ही नहीं रहा। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आप ढूंढ रहे हो आपको मिल ही नहीं रहा, तो आपकी ना आईडी पे जाना है, ड्राइव का ऑप्शन आता है, ड्राइव का ये होता है, ये जो ये है ना, ये सबसे एकदम एंड में दिख रहा है, ड्राइव लिख के आ रहा है सबसे लास्ट वाला ऐप। यस सर। तो इस पे जाना है, इस पे जाना है और इस पे आईडी खोलनी अपनी वाली। अब देखो आईडी क्यों जरूरी थी, आप अब समझ जाओगे। अभी ना मेरी सबसे पहली बचपन में मैंने 8th 9th में बनाई थी, उसमें गंदा सा नाम दिया था, लोग बच्चे रहते हैं तो नहीं पता रहता है। तो मैं उसके ना अपनी आईडी खोलनी है, मैं दीपक KR03 खोल दे रहा हूँ। अब मैंने देखो दीपक KR03 खोल दी, अब ये सब मेरे पास मेरी ड्राइव में ये सब चीजें हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ना जो जिस नाम से क्विज बनाई थी वो क्विज आएगी, एक मिनट, ये मेरे ड्राइव में फोटो पड़ी हुई है पहले की, वही है दिखा रहा है, अरे बहुत भरा हुआ है, इसको इस आईडी को नहीं चुनना चाहिए था, पर्सनल आईडी चुन ली, इसमें तो पूरा भरा हुआ है। सर टाइटल सर्च कर लीजिए। हाँ टाइटल क्या रखा था हमने, टाइटल क्या रखा था, नहीं सही बताया एकदम, हाँ हाँ गया, बढ़िया टाइटल सर्च कर रहे, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे ये आ गया, अब देखो रिस्पांस खुल गया, तो ये आपको ड्राइव में यहाँ से मिल जाएगा, बढ़िया विनव, हाँ इसमें एकदम सही कहा, मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा था और ऑप्शन भी है उसमें, तो आप डायरेक्ट वहां से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बढ़िया। ये चीज समझ आ गई हम लोग को, ढूंढना भी आ गया कि आपको अगर दोबारा चेक करना, और देखो अभी भी आप एडिट कर सकते हो, अभी मैं एडिट कर दूं ना नेम की जगह, मैं कुछ और कर दूं, फादर्स नेम कर दूं,
तो आपने तो एक बार सबमिट कर दिया तो अब आपको फादर नेम नहीं, आपका खुलेगा ही नहीं क्विज, क्योंकि उसमें मैंने वो लगा रखा था कि आप एक ही बार सबमिट कर सकते हो, लेकिन अब जो नए लोग होंगे उनको दिखेगा फादर्स नेम का आएगा, उनको नेम का आएगा ही नहीं। तो आ गया ना सबको समझ में आज की क्विज, ऑनलाइन क्विज कैसे बनानी है? यस सर। अब मैंने कर दिया, मैंने डॉट 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 कर दिया, एक ब्रेक लगा दिया, अब इसमें आंसर करो जल्दी से जिसको समझ आ गया। एक दो तीन, कितने लोग हैं हम लोग? ए चलो लगभग अब लग रहा है सब लोग आ गए। अच्छा हम करो, टाइप करो किस किसने पहली बार सीखी ये चीज, मतलब अब तक ये सारी चीजें पता नहीं थी। देखो मैंने भी आज नई चीज सीखी, नहीं वो पता होनी चाहिए, सर्च करोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, अभिनव ने बताया तो मैंने भी कुछ ना कुछ नया सीखा। तो अब लोग सब लोग किस किसने पहली बार सीखी ये बताओ, पहली बार क्विज बनाना सीखा इस करके। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। चलो मतलब कुल मिला के आज की जो सेशन रहा, आज की जो क्लास रही, इफेक्टिव रही, पर्पस यही था कि कुछ ना कुछ नया सिखाना है। बढ़िया। देखो अब क्या है, एक लिंक है मैं शेयर करूंगा, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, वो गूगल क्लासरूम बोल रहा हूँ जो टीचमेंट वाला है, उसमें हमने क्विज कराई थी पहले, इन बच्चों को कराई थी, अपने केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी के बच्चों को करवाई थी, वो याद है एक बार 50 नंबर का क्विज लिया था, एक दूसरा क्विज लिया था, उसकी लिंक मैं इन लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और आप लोग वो प्रॉपर क्विज खेलना, ठीक है? जो बाकी बच्चे हैं जो केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी के अलावा बच्चे हैं वो यस करो, आप लोग को क्विज की लिंक शेयर करूंगा, उसको खेलना है, ठीक है? उसमें पार्टिसिपेट करना है। चलो बढ़िया। अब देखो सबका होमवर्क है कल 2 बजे से पहले, ये मैं उसमें बताऊंगा नहीं, मतलब सॉरी जो बच्चे नहीं आए उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा। सबका है, सबका काम है, आपको एक क्विज बनानी है, गूगल फॉर्म क्विज, ठीक है? ये मैं अपना नंबर है, जो नए बच्चे हैं ना और जो अपने जो केंद्रीय विद्यालय बचपणी के बच्चे हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बनाने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है वैसे क्विज से रिलेटेड, फिटनेस क्विज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स क्विज से रिलेटेड और गूगल फॉर्म से रिलेटेड, तो इस पर कॉल कर लेना, जो भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय पचमढ़ी के बच्चे हैं वो भी, कि बना रहे हो क्विज उसमें कोई दिक्कत आ रही तो फोन कर लेना, ठीक है? और आपका होमवर्क है कि आपको कम से कम 10 क्वेश्चन की क्विज बनानी है और मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन, आप 12 भी रख सकते हो, 15 भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 10 क्वेश्चन मैक्सिमम 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन कंपलसरी रखना है। उसके में जो डिस्क्रिप्शन है क्विज कैसी होनी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो उसकी लिंक जो है वो मेरे उसकी लिंक शेयर करनी होगी आपको, और लिंक शेयर करने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें फीचर नहीं पता है मुझे, इसमें लिंक शेयर होती है कि नहीं होती इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको सबको क्विज बना के इस व्हाट्सएप नंबर पे वो भेजनी है, लिंक भेजनी है, ताकि मैं देखूं किसने कैसी बनाई, और क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने की। क्या हुआ? टीचमेंट में चैट में शेयर हो जाएगी लिंक, उस वाले में जो जो कॉलम है हम लोग का जिसमें हम लोग बात करते हैं। यस सर। चलो ठीक है, अगर वहां हो जाती है ठीक है, बाकी किसी को प्रॉब्लम आती है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चलो फिर आज की सेशन, जो आज का सेशन है वो फिनिश करते हैं। होमवर्क मिल गया आपको, होमवर्क ये है कि 10 से 20 क्वेश्चन की क्विज बनानी है और उसकी लिंक शेयर करनी है, चैट बॉक्स में ऑप्शन आता है उसमें कर देना, अगर अदरवाइज वहां कोई प्रॉब्लम आती तो ये नंबर है, बहुत रेयर ही बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट हो तभी करना, अदरवाइज चैट में ही क्वेश्चन वोश्चन जो भी हो वही डाउट पूछ लेना। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छा लगा, एक क्वेश्चन छोड़ के जाओ और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम कल 3 बजे। सर आज क्लास होगी? आज क्लास नहीं होगी, आज निकल होगी, ठीक है? एक क्वेश्चन छोड़ के जाओ, आज भी जो सीखा है उससे क्वेश्चन छोड़ के जाओ, कोई
क्या हुआ, क्वेश्चन नहीं बन रहा? ओके अभिनव, ठीक है, गुड। मैं भी एक क्वेश्चन डाल देता हूँ जो मैंने सीखा। ओके गौरी, गुड। बढ़िया दिशु, बढ़िया उदिता, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन गूगल फॉर्म। ठीक है, वैसे तो वो जो गूगल फॉर्म जो क्विज है ना, जो मैंने बनाने के लिए बोला है, उसमें बोला है 20 क्वेश्चन मैक्सिमम रख सकते हैं, अदरवाइज कितने भी रख सकते हो आप, 1000 क्वेश्चन भी रख सकते हो। अगर आपने पेड वर्जन प्रीमियम वर्जन लिया है तो उसमें बहुत सारे फीचर रहते हैं, उसमें आप टाइमर लगा सकते हो, वो लगा सकते हो, वो भी कभी हुआ तो बताएंगे, अभी बेसिकली इतना रखते हैं। ठीक है चलो, थैंक यू सो मच, फिर ओवर करते हैं, फाइनली नाश्ता करते हैं, सब लोग भी अपना नाश्ता करो, और आने के लिए शुक्रिया, क्योंकि मुझे भी आप लोगों की क्लास लेने में बहुत मजा आता है। थैंक यू सो मच, क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू सर।